सोलन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर मुख्यमंत्री के हाल ही में सोलन के दौरे को ऐतिहासिक करा दिया। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य राजेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो दौरा रहा है उसमें सोलन वासियों को अरबों रुपए की सौगात दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह की योजनाओं का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन और शिलान्यास किया है उससे शहर के साथ साथ गाँव के लोग भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों की कल्पना पिछली कांग्रेस सरकार नहीं कर सकी थी उन कामों को प्रदेश की जयराम सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जमीनी स्तर से जुड़े एक ऐसे नेता हैं जो सभी वर्गों का ध्यान रखकर कल्याणकारी योजनाओं का प्रदेश में क्रियान्वयन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला में सबसे बड़े अस्पताल 90 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है जिसका मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका काम भी शुरू करके पूरा भी कर लिया जाएगा जिसके लिए मुख्यमंत्री ने पहली किश्त 10 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिस्ट तरीके से बनने वाले इस अस्पताल से जिला सोलन समेत शिमला और सिरमौर के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। तो मैं आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का माननीय ठाकुर जयराम जी ने हम सभी को कल दी है और मैं मानता हूं कि इन स्कीमों की वजह से एक पक्ष कल जो है अनाउंस हो चुकी है लेकिन फिर भी अगर आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो आप आमंत्रित है उन स्कीमों के बारे में पूछने के लिए। लेकिन जिस तरह से जो हॉस्पिटल लगभग 4 करोड़ रुपए का और फिर कल ही उन्होंने जिस तरह से ऑक्सीजन प्लांट का भी यहाँ जो है वो लोकार्पण किया, आईसीयू का लोकार्पण, स्वास्थ्य के संबंध में जहाँ तक जिला सोलन या सोलन की सारी स्कीमें हैं मैं उसका विवरण जो है द्वारा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक जरूर है कि जो सोलन डेवलपमेंट प्लान किया है यहाँ पे ज़्यादातर लोग दूध आधारित कृषि भी करते हैं तो दूध कृषि के साथ साथ दूध का जो है उसकी पूर्ति सोलन हमें जो है फायदा हो रहा होने वाला है। समय में कोई भी किसी भी तरह का जो हम समस्या है उनके समक्ष